नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक भूमि है, कहीं ना कहीं इस राजनीतिक भूमि में जब जातिगत समीकरण को मिला दिया जाता है तो उसके बाद जो नतीजा निकलता है वो होता है उत्तर प्रदेश की सत्ता। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, बिल्कुल मुहाने पर है और ऐसे में अब एक अलग तरह का पशुपेक्ष इस राजनीति में उत्तर प्रदेश की शुरू हो गया है और वो है जातिगत जनगणना को लेकर के। ये जातिगत जनगणना ओबीसी समाज के लिए है। कहा जा रहा है कि ये जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इससे विपक्षी दलों को बहुत सा टॉनिक मिल जाएगा और इसी को ना होने की वजह से लगातार ये विपक्षी दल मौजूदा सत्ता दल के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये मौजूदा सत्ता दल, आखिर भारतीय जनता पार्टी ये जातिगत जनगणना कराना क्यों नहीं चाहती है। जातिगत जनगणना को लेकर कल मायावती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे सवाल मौजूदा सरकार से पूछे थे। इसके पहले अखिलेश यादव, जो कि मुख्य विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कई सारे सवाल पूछे थे। लेकिन इस चीज को समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये जातिगत जनगणना जरूरी है क्यों, अगर ये होती है तो। दरअसल जातिगत जनगणना सिर्फ उस जात और उस वर्ग के लोगों की गिनती के लिए नहीं है। ये जातिगत जनगणना कहीं ना कहीं होने के बाद ये जरूर पता चल जाता है कि आखिर इस जात के या फिर इस वर्ग के कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं या फिर कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं जब सरकारी नौकरियां निकले। इनका जीवन का स्तर क्या है, इनका शिक्षा का स्तर क्या है, ये कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, इनकी संख्या क्या है। अभी तक महज प्रतिशत के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर ही जो जातिगत जनगणना हो रही थी या फिर इसी के आधार पर ही इनको सरकारी नौकरियों में या फिर इनके जीवन यापन की जो स्थिति थी उसका आकलन किया जा रहा था। लेकिन अब लगातार इसके जनगणना की बात कही जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पांच अन्य राज्यों में भी चुनाव है और इस चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये जातिगत जनगणना सरकार क्यों नहीं करा रही है, किस चीज का डर है। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लगातार जातिगत सम्मेलन होते आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या अन्य विपक्षी दलों की बात करें। तो सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर चुनाव के करीब आते ही जातियों को या इन वर्ग विशेष के लोगों को क्यों ये राजनीतिक दल याद करने लग जाते हैं, इसके पहले क्यों इस तरह के सवाल नहीं खड़े हो रहे थे। चुनाव आते ही लगातार जातिगत जनगणना के सवाल खड़े होने लगे कि आखिर सरकार इसे क्यों नहीं कराना चाहती है और क्यों इसके पहले ये लोग शांत थे। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ये जो ओबीसी और ये जो वंचित समाज के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता में उनका चेहरा रहेगा, उनके बीच का कोई चेहरा रहेगा, तो उनका उद्धार और उनका विकास ज्यादा बेहतर तरीके से होएगा। और इसी का उदाहरण यह भी है कि 90 के दशक से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो नेतृत्व के चेहरे रहे हैं वो इन्हीं समाज के लोगों के रहे हैं। और इससे यह साफ साबित होता है कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले, दूसरे राज्यों के मुकाबले, उत्तर प्रदेश में जो ये वर्ग के लोग हैं, जो इस जाति के लोग हैं, वो ये जानते हैं कि कैसे समझदारी से वोट देना है और कौन नेतृत्व करेगा तभी उत्तर प्रदेश में विकास हो सकता है उनका, उनके समाज का। लेकिन 2017 के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ 2017 में, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आंकड़े थे वो काफी कुछ बदल गए, चेहरे बदल गए और कहा यह जाने लग गया कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह नारा था, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और उसी लक्ष्य पे वो लगातार काम भी कर रहे हैं। तो आखिर विपक्षी दल चुनाव आते ही अब इस सवाल को क्यों करने लग गए कि आखिर यह जातिगत जनगणना सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है। इसके अलावा अहम बात यह है कि 8 से ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में ऐसा रहा है कि इस वर्ग के लोगों ने उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया है, चाहे हम मायावती की बात कर लें, मुलायम सिंह यादव की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें या फिर कल्याण सिंह की बात कर लें। इन लोगों ने जब जब उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया है तब तब ये कहा गया है कि इस जाति वर्ग विशेष के लोग जो हैं इन्हों की बदौलत उत्तर प्रदेश में जो सत्ता है उस सत्ता की कुर्सी पर लोग
काबिज होते हुए नजर आए हैं। और इस बार का भी ये जो चुनाव है इसमें भी कहीं ना कहीं इस जाति विशेष वर्ग को बहुत अहम माना जा रहा है, जिसमें ओबीसी है, एसटी है, एससी है, कई सारी प्रमुख जातियां आती हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को बदलने में लगी हुई है। और इसी को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्रमुख राजनीतिक दल है वो अब छोटे छोटे दलों को अपने साथ समेटने में लगे हुए हैं, जिनका वोट बैंक इन जातियों में प्रमुख बताया जाता है। चाहे राजभर वोट बैंक की बात कर लें, निषाद वोट बैंक की बात कर लें, या फिर अनुप्रिया पटेल के वोट बैंक की बात कर लें जो बीजेपी के साथ हैं। इस तरह के अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनको समेटने को, उनको अपने पास लाने को, उनको खींचने का प्रयास जो है वो लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से चल रहा है। लेकिन इसी के बीच में जो सवाल सबसे अहम है वो सवाल यही है विपक्षी दलों की तरफ से कि आखिर सरकार ये जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है, सरकार क्यों नहीं चाहती है कि इस जातिगत जनगणना के आधार पर जो नतीजे निकल कर आए उसी के आधार पर इन लोगों का जो सामाजिक उद्धार है उसे बेहतर किया जाए। जातिगत जनगणना होने से जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर, या आरक्षण देने से आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती है, आरक्षण देने से कहीं ना कहीं उस वर्ग की, उस जात की सामाजिक स्थिति बेहतर होती है, जिस पर कहीं ना कहीं विचार करना बहुत जरूरी है और ओपन डिबेट में इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा को शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। यूपी चुनाव में जातीय समीकरण शुरू से ही अहम भूमिका निभाते आए हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीतियां जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही बनाती हैं। बीजेपी भी छोटे दलों के साथ यूपी में गठबंधन कर 2022 का चुनाव लड़ रही है। 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी में अपना दल एस और निषाद पार्टी से गठबंधन किया हुआ है। अपना दल एस की पकड़ कुर्मी वोट बैंक में काफी अच्छी मानी जाती है। यूपी में लगभग 5% कुर्मी मतदाता है जो कि ओबीसी में आते हैं। अपना दल एस का प्रभाव पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के क्षेत्र में ठीक माना जाता है। बता दें कि अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी का प्रभाव यूपी में निषाद वोट बैंकों में ठीक ठाक माना जाता है। यूपी में लगभग 5% निषाद वोट बैंक है। पूर्वांचल में ही निषाद मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हैं, यानी ओबीसी वोट बैंकों को साथ रखने के लिए बीजेपी ने यूपी में दो छोटे दलों के साथ बड़ा वाला गठबंधन कर रखा है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी के वोट बैंकों पर नजर डाली जाए तो सपा भी ओबीसी वोट बैंकों को साधने के लिए कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुकी है। सपा ने सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सहित कई छोटी पार्टियों के साथ अपना गठबंधन करा हुआ है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी यूपी में राजभर वोट बैंक की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। यूपी में लगभग 2% राजभर मतदाता है। पूर्वी यूपी में लगभग 8 जिलों में राजभर मतदाता की अच्छी खासी संख्या है। 2017 में सुभाषपा का गठबंधन बीजेपी के साथ था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर हो लिए हैं। वही आरएलडी भी उत्तर प्रदेश के पश्चिम में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गई है। जाट वोट बैंक और किसान के मुद्दे पर आरएलडी हमेशा आगे रहती है। यूपी में सपा और आरएलडी का गठबंधन भी लगभग तय हो चुका है। पश्चिम यूपी की 29 सीटों पर जाट मतदाता की हार जीत तय होती है। 15 जिलों में जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। किसान आंदोलन के बाद जाट मतदाताओं को सपा और आरएलडी अपने साथ लाने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि 2014, फिर 17 और अब 19 में जाट मतदाताओं ने बीजेपी को पूरी तरह से सहयोग किया था और भाजपा के खाते में बंपर वोट बैंक गिरा था।
वहीं बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की तो मायावती ने अब कांशीराम के फॉर्मूले पर यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। अब तक ब्राह्मण दलित गठजोड़ वाली पॉलिटिक्स कर रही मायावती की उम्मीदें बैकवर्ड कास्ट पर टिक गई हैं। बीएसपी की रणनीति सुरक्षित सीटों पर जीत दर्ज कर यूपी में सत्ता पाने की है। उन्हें लगता है कि दलित और पिछड़े मिल गए तो उनका हाथी लखनऊ तक पहुंच जाएगा। यूपी में 86 सुरक्षित सीटें हैं। चुनावी इतिहास गवाह है कि इन सीटों पर जिस पार्टी ने बाजी मारी यूपी में उसने अपनी सत्ता काबिज करवा ली। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सीटों पर बढ़त बना ली थी, जबकि 2012 में ये करिश्मा अखिलेश यादव कर चुके हैं। तो इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, शबनम पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा अमित गुरु हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, शरीफ हाशमी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और मनोज पासवान राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। सबसे पहले शबनम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखा जा रहा है शबनम जी की लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बैकडोर से इस बात को कह रही है कि आप लोग जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अचानक से उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया और अचानक से इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाने लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, चल क्या रहा? शबनम जी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। आवाज आती है मेरी? जी जी शबनम जी बताएं। देखिए चाहे ये कितनी भी मांग करें चुनावी मेला में, जब तक इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुकी है ये जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या अन्य विपक्षी दल हो, इन सब चुनावी मेला में इस तरह की मांग कर रहे हैं, इनकी ये राजनीतिक चाल को जनता बहुत बेहतर तरीके से समझती है। अगर लंबे समय तक देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जिसको कि आपने बताया कि यहाँ पे ओबीसी या दलित मुख्यमंत्री बनते रहे जी। उत्तर प्रदेश और साथ साथ बिहार भी एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ लंबे समय तक कई दशकों तक ओबीसी और एससी मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन क्या ये मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी कैटेगरी हो या एससी एसटी कैटेगरी हो, इनकी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक उत्थान हुआ है? एकदम नहीं हुआ है। ये वोट पॉलिटिक्स करते रहे हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने में ये लगातार इनको बदलाते चुनावी मैदान में है। इनका उत्थान जरूर हो जाता है पर इनके उत्थान के रेशियो में देखा जाए, अनुपात में देखा जाए तो उस कैटेगरी की जनता कहीं ना कहीं हाशिए पे रही है। पर जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की का राज हुआ, आप देखिए हमने सबका साथ सबके विकास के तहत सभी योजनाओं में और चाहे वो पॉलिसीज बनाना हो कि कोई भी कानून बनाना हो उसमें हमने इनके उत्थान की बात कही है और उत्थान किया भी है। अगर ये कहते हैं कि जनगणना होने से उत्थान होता, 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने आर्थिक जनगणना की थी और उस आर्थिक जनगणना में हाशिए पे रहे जो आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर लोग रहे, क्या उसका आर्थिक उत्थान कर पाए ये सरकारें जो पिछले कई दशकों से राज कर रही है देश में और प्रदेश में, एकदम नहीं कर पाए। तो ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और इसको 1931 में जनगणना हुई थी जाति के आधार पर, लेकिन उसके बाद जब हमें फ्रीडम मिली, आजादी मिली, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस समस्या का आकलन कर चुके थे कि अगर ये जनगणना हुई तो समाज में वैमनस्य का भाव होगा, लोगों में और जाति का भाव पनपेगा और कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरे की घंटी है। बाबा साहब अम्बेडकर भी लगातार शोषित वंचित समुदायों के लिए काम करते रहे, पर उन्होंने भी ये बात कहा था कि अगर
जाति के आधार पर नागरिकों की आइडेंटिटी होती रही लगातार इसी तरीके से, जिस तरीके का जाति का भेदभाव उस वक्त हुआ करता था, अगर वो लगातार होता रहा तो ये कास्टिज्म देश से नहीं निकल पाएगा। और देश के उत्थान के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सबको साथ लेकर चले, और जो शोषित और वंचित समुदाय है वो चाहे किसी भी जाति के हैं, अगर ओबीसी समुदाय के हों, SC ST समुदाय के, हम उनका आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक उत्थान पर ध्यान दें, उनके विकास पर करें, योजनाओं को जी। मैडम ये कह रहा था, अभी आपने बाबा साहब की बात की, आपने कहा कि अगर ये जातिगत जनगणना होती रहेंगी तो कास्टिज्म को देश से खत्म नहीं किया जा सकता, और आप लोग जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार आप लोग का भी प्रयास है कि सबको साथ लेकर चलें, लेकिन विपक्षी भी लगातार इस बात को कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी दिखा रही हैं कि बीते दिनों राजधानी लखनऊ में कोई भी ऐसी जाति नहीं रही जिसका सम्मेलन आप लोगों ने नहीं किया हो, तो ये सवाल बड़ा अभी भी बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? सम्मेलन करने की वजह क्या होती है? हम किसी भी समुदाय का, जो भी समुदाय हो, उनकी जो एक कॉमन समस्याएं हैं उसके समाधान करें, उनकी बातें सुने। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको जातिगत तौर पे अगर इकट्ठा करते हैं तो हम उनको वेट वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करें। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करके अगर कोई बुनकर है तो बुनकर की समस्याओं का हल लेते हैं, अगर कोई पार्टी से जुड़ा कार्य करता है तो उसकी समस्याओं का समाधान करें। सरकार अपनी पॉलिसी में, अपनी योजनाओं में क्या और परिवर्तन करे, क्या और उन शोषित वंचित समुदायों को दे जिससे कि उनका हर स्तर पे और उद्धार हो। पर कहीं ना कहीं ये सबका साथ सबका विकास से जो समरसता और समग्रता उत्तर प्रदेश के लोगों में आई है, ये खुटियां सुहा रही है इन विपक्षी पार्टियों को, और शायद यही वजह है कि इन्हें हताशा हो रही है कि शायद इस चुनाव में सभी सामान को लेकर जब सरकार चली है तो सब सरकार से प्रभावित है, 14 से लेकर 17-19 और अब निश्चित तौर पर 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े देखकर इनके बौखलाहट और हताशा का भाव है। इसलिए अब इस उत्तर प्रदेश को जो लंबे समय से जाति और धर्म में बांट कर ये वोट पॉलिटिक्स करते रहे और उनको जो गर्त पर डालते रहे, ऐसे उत्तर प्रदेश का उत्थान और विकास देखकर ये ऐसी मांग कर रहे हैं। ठीक है मैडम, हमारे साथ शरीफ हाशमी है समाजवादी पार्टी से। शरीफ भाई, शबनम जी ने कहा कि बीते दिनों या बीती सरकारों में जातिगत के नाम पर, जात के नाम पर अपराध बढ़ता था या फिर जात के नाम पर राजनीति करी जाती थी, क्योंकि आप ही लोग करते थे, आप ही लोग सरकार में थे, और जब से ये लोग आए हैं इन लोगों ने उन विशेष वर्गों के लिए सम्मेलन करवा करके ये जानने की कोशिश की कि उनकी समस्याएं क्या थी और उन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार ने काम किया, इस वक्त सब ठीक ठाक है, सब साथ में लेकर एक दूसरे को चल रहे हैं, फिर आप लोग लगातार इस बात को क्यों कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण सुधारना है तो जातिगत जनगणना करानी जरूरी है? नितिन जी बिल्कुल सही कहा आपने, इनको सभी जातियों की याद दो बार आई है। एक उस समय आई जब हमारी सरकार चल रही थी, 2017 का चुनाव होने वाला था, उस वक्त इन्होंने मौर्या, पटेल, निषाद सबको एक साथ बुलाने का प्रयास किया और सबको ये बताना चाहा कि हम छोटी छोटी जातियों को मिलाकर, छोटे छोटे वर्गों को मिलाकर हम सरकार बनाएंगे, जिसकी जितनी हिस्से जितसेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। यहाँ तक कि हमारे एक और लीडर है जिनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पूरे प्रदेश में घुमाया गया। कौन लीडर है? अपने यहाँ डिप्टी CM रहे हैं मौजूदा, उनको मुख्यमंत्री ही का रूप दिया गया था। पूरा मौर्या समाज भारतीय जनता पार्टी के बड़ा उत्साह से देख रहा था कि हमारे समाज का मुख्यमंत्री हमको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। बाद में लॉलीपॉप देके उनको डिप्टी CM बना के उसी को सुकून करना पड़ा जी। ठीक है, और अब फिर इनको याद आई, इन्हीं 5 सालों में यही दलित समाज की बेटियां, दलित समाज के बेटे कोई मंदिर में गया उसके साथ शोषण हुआ, एक दलित समाज की बेटी की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, इन्हीं 5 साल की सरकारों में। उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई थी? कब क्यों नहीं याद किया कि किसी दलित के साथ शोषण हो रहा है, किसी अल्पसंख्यक के साथ शोषण हो रहा है, तब ये भारतीय जनता पार्टी क्यों सोच रही थी? और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपके नहीं थे, उत्तर प्रदेश, हमारे पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो सत्ता में रहते हुए कई बार इस बात को आगे बढ़ाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस बात को वो बार बार कहते रहे हैं। वो बात अलग है कि बहन जी आज जागी हैं, क्योंकि अभी तक
भारतीय जनता पार्टी और बसपा में तो ये चल रहा था कि हम शायद इस पाले में आ जाए या हम उस पाले में चले जाएं, वो धीरे 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 हमें लगता कुछ संभावनाएं नहीं बनी, तुम बहन जी फिर से जाग गई, उनको फिर से अल्पसंख्यकों की और दलित समाज की याद सताने लगी। भारतीय जनता पार्टी को अब हर समाज की याद सता रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इनकी सत्ता यहाँ से खिसक रही है। सम्मेलन तो आप लोग भी करवा रहे हैं, वो लोग करवा लिए तो क्या? मैंने कितने सम्मेलन कराए बताइए आप? हमने एक ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कराया, वो समाज इस पार्टी से इतना पीड़ित है, इतना परेशान है। क्या पीड़ित है? अरे साहब देख लीजिए ना, ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है। शबनम जी खुद ब्राह्मण है, शबनम जी बताना चाह रही हैं, शबनम जी कुछ बताना चाह रही हैं। जी जी मैम, देखिए अगर माफियाओं की जाति दर्द देख कर ये कहें कि एक विशेष जाति पीड़ित है तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने जाति दर्द के नाम पे पूरे प्रदेश को बांटा और माफिया खेती से लेकर तमाम चीजें जाति दर्द में बांट कर उसको संरक्षण दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि अखिलेश जी के परिवार के अलावा सपा सत्ता में रहते हुए किसी और को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाई, क्यों पत्रवाद की? ये हम पर आवाज उठाते हैं। आज हमने मौर्य समाज को एक सम्मान दिया है, डिप्टी सीएम मौर्य समाज के हैं, इन्होंने क्यों नहीं किसी और समाज के लोगों को सीएम या डिप्टी सीएम अपने समय में बनाया? दूसरी बात ये कहते हैं इनको अभी याद आई, अगर हमने 1.47 करोड़ लोगों को उज्ज्वला से लाभान्वित किया है तो इसमें सभी किस उज्ज्वला से लाभान्वित क्या है जो खरीद नहीं पा रहे हैं? अगर हमने 2.61 करोड़ लोगों को अगर हमने शौचालय बना के दिया तो इसमें दलित भी है, ओबीसी भी है और सबके ओबीसी के सभी वर्ग के लोग हैं। ठीक है मैम। अगर हमने 1.38 करोड़ लोगों को निःशुल्क घर में बिजली दिया है तो इसमें सभी वर्ग के लोग हैं। हमने पूरे कार्यकाल में अपनी सारी योजनाओं के तहत उन वंचित शोषित लोगों पे काम किया है, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी की फिलोसफी थी ठीक है, ठीक है मैम। अंत्योदय अंत्योदय की फिलोसफी पर चलते थे और हमारी सभी योजना ठीक है मैम। मैं आता हूँ, इसमें हमने वंचित लोगों को किया जिसको गरीब होने की वजह से, शैक्षिक तौर पर पिछड़े होने की वजह से या कहीं जाति का भी पिछड़ापन अगर समाज में कुछ रुकता है तो हमने जाति का नाम के बगैर उनका उत्थान किया है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। अमित गुरु हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अमित भाई, शबनम जी की बातें आपने सुनी, सब कुछ तो उत्तर प्रदेश में ठीक चल रहा है, फिर अचानक से, हालांकि आप लोगों की तरफ से बात नहीं कही गई है कि जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि जब तक ये जातिगत जनगणना नहीं होगी, इन जाति के लोगों का जो जीवन स्तर है, जो जीवन की जो इस वक्त स्थिति है, वो उसका पता नहीं चल पाएगा, उसका सुधार नहीं हो पाएगा। कितना सहमत है आप इस बात से? देखिए नितिन जी, बड़ा अस्पष्ट है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है उसमें आप एक चीज आप सीधा और स्पष्ट समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी कभी इस मुद्दे पे बहुत रिजिड नहीं रही, लेकिन अगर विपक्ष के नेताओं ने जातिगत जनगणना की मांग की है तो भारतीय जनता पार्टी को इतना ऐतराज क्यों है? सवाल तो ये है कि इनकी इनकी तो बिहार में जाइए, शबनम जी कह रहे हैं कि हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमें किसी चीज का कोई एतराज नहीं है, हमारा जब से हमारी सरकार आई है सभी जातियों को हम लोग ने एक साथ रखा हुआ है। नहीं, यदि ये बात कहने की दो मुही बात होती, शबनम जी और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ना वो दो मुहा है। सवाल ये है कि सबके साथ और सबके विकास की तो ये बात करते हैं, लेकिन धरातल पे सबके साथ और सबके विकास की चीज जज हो ही नहीं पाती है। आप देखिए बिहार में नीतीश कुमार के साथ की सरकार है, नीतीश कुमार वहां मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, और वही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अलायंस में हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री को ही बात कर रहे हैं, वो इस मुद्दे पे कुछ भी बोलने कहने से बिल्कुल बच रहे हैं। सवाल ये है, अभी शबनम जी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा था कि कहीं से जातिगत आइडेंटिफाई वाली बात ना आए, ये वही देश है जहां लोकसभा चुनाव के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, वो अपनी आइडेंटिफाई कराते हैं इस देश के सामने, इस देश के करोड़ों लोगों के सामने खुद को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं। और एक बार तो हद हो गई जब उन्होंने कहा कि मैं आर्थिक पिछड़े वर्ग से आता हूं। आप देखिए देश का प्रधानमंत्री अगर कई मुद्दों पे कई बार कई मंचों से अगर ये बार बार कहता है कि मैं पिछड़े जाति से आता हूं तो कहीं ना कहीं से ये एक संवैधानिक पद पे बैठे और देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य नहीं हो सकता
मैं इसकी निंदा करता हूं। और जहां तक सबका साथ सबके विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अपने आप को हमेशा मुखर रहती है बात कहते हुए, इनको समझना होगा, इनको सभी जातियों से बड़ा विशेष मतलब नहीं रह गया है। सत्ता कैसे पाई जाए, एक मुख्य मुद्दा इनका यही है, सत्ता कैसे। आपने देखा ओम प्रकाश राजभर को किस तरह से खदेड़ दिया इन लोगों ने, इसी योगी की सरकार में, योगी जी की सरकार में उनसे ओम प्रकाश राजभर अपने नहीं, हमें मोहब्बत, हमें मोहब्बत नीतीश जी, हमें मोहब्बत नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब इन्हीं की सरकार का एक मंत्री अपने जाति, अपने धर्म और अपने हक हुकूक की बात करता है तो उसको अनसुना कर दिया जाता है, फिर सबके साथ तो सबके विकास की बात कहां से आती है, सवाल तो उठता है ना। जब राजभर ने, ओम प्रकाश राजभर ने सवाल किया कि हमारे इन इन जातियों को ये विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं हो रही, होनी चाहिए, और वहां योगी जी पूरी तरह से शांत रहे, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ ही धरना देने के बाद भी अंत में राजभर को इनका इनका अलायंस छोड़ना पड़ा। आज आप देखिए जातिगत सम्मेलन हो रहा है, मैं सपा और बसपा को भी इस मामले में खींचना चाहूंगा, आप समाजवादी पार्टी को भी देख लीजिए, इनके इनका जो अंदरूनी संगठन है, एक एक जिले के संगठन के मुखिया को आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को आप देख लीजिए, वहां भी इनके जिले का जो संगठन उनका मुखिया देख लीजिए कौन होता है। कहीं ना कहीं से ये तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी तो शानदार तरीके से जातीय चीजों को भुना लेती है, उसका तरीका कुछ अलग है, और कहीं ना कहीं से सपा और बसपा के लोग फ्लैश होते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि जब देश का प्रधानमंत्री ही जातिगत बात करेगा, जातिगत मुद्दों पर अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट कराएगा, तो निश्चित तौर पर जातिगत भावनाएं बढ़ेंगी। अब अगर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो अगर साहस है तो सबनम भी स्वीकार करें, जातिगत जनगणना कर दें, 1932 की बात को फिर से रिपीट कर दें, अच्छा होगा, हम इसमें कोई बुराई नहीं है। और तो नितिन जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, और मैं दलीय राजनीति से ऊपर उठकर ये बात कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा, आप देखिए सबके पास जो है, जो जातिगत जो है व्यवस्था, उसके तहत इनके संगठन में प्रकोष्ठ बने हुए हैं, कहीं ना कहीं से इन चीजों को सबको जातिगत भावना से ऊपर उठने की जरूरत है, तभी देश तरक्की करेगा। और उस आकंठ में सबसे अधिक कोई डूबा है तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, ठीक है। मनोज पासवान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं। मनोज जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश या देश में जातिगत जनगणना चुनावों के दौरान होनी कितनी जरूरी है? इसके अलावा चुनाव आते ही जातियों की याद, ये जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं इनको आ जाती है, जैसा कि अभी सब कुछ दिख भी रहा है सामने, कि लगातार जो विपक्षी दल हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है जातिगत जनगणना कराना, अगर ये होता है तो इससे किसको लाभ मिलेगा, नहीं होता है तो कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, अनायास नहीं है, हर 10 साल में जातिगत जनगणना होती है, पिछली बार 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, तो नेचुरल सी बात है कि मुद्दा उठेगा। दूसरा भी, जब आप डिबेट की शुरुआत कर रहे थे तो आपकी डिबेट की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि कुर्मी उत्तर प्रदेश में 5% है और राजभर 2% है। जब आप इनके समुदाय के जो इनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके पास जब जाएंगे आप, तो हर जाति का आदमी अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके बताएगा। कुर्मी के पास जाएंगे तो 12% आबादी बताएगा, अच्छा। राजभर के पास जाएंगे तो वो भी 10-15% के करीब बताएगा। कोई ऐसी जाति नहीं है। तो इस देश में किसी जाति के प्रति न्याय करने के लिए, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, एक हमारे पास कोई डाटा नहीं, ऑथेंटिक है सरकारी स्तर पे, अपना अपना डाटा है। दूसरा, शबनम पांडे जी ने जो बात कही थी डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि फर्जी बात है। कहीं पर डॉक्टर अम्बेडकर ने इस प्रकार की बात नहीं की, डॉक्टर अम्बेडकर जात पर खुलकर चर्चा करना चाहते थे, और जाति का जो बीज है वो तब ख़त्म होगा जब ऐसी जातियाँ जो बहुत पीछे रह गई हैं, समाज की बहुत पिछली कतार में रह गई हैं, जब उनको अधिकार मिलना शुरू होगा, जब ऊपर की तरफ आएंगी, तब जाति वैमनस्यता ख़त्म होगी। मैं इसके पीछे तथ्य भी हैं, 1989 से पहले जब मंडल कमीशन नहीं देश में लागू हुआ था, तब तक पिछड़े वर्ग की कोई राजनीति नहीं थी। मंडल कमीशन लागू हुआ, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव जी, उसके बाद भाजपा ने कल्याण सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम किया, बैकवर्ड क्लास को। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा हरदम से झूठ बोलती आती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, जाति की राजनीति नहीं करते, जबकि पूरी जाति की राजनीति
जहां पर भाजपा को फायदा होता है वहां पे जाति की राजनीति करती है, जब इनको अधिकार देना होता है तब तो कहती है जाति की राजनीति हम नहीं करते हैं। 1989 के बाद जब उत्तर प्रदेश बिहार में पिछड़े वर्ग शेड्यूल कास्ट के सीएम बनना शुरू हुए तब जाकर के इन्होंने बैकवर्ड को स्थान देना शुरू किया। आज मैं पूछना चाहता हूँ यही भारतीय जनता पार्टी इस देश में इतने बड़े देश में तमाम राज्यों में सरकारें हैं कितने शेड्यूल कास्ट के चीफ मिनिस्टर इन्होंने बनाने का काम किया है उत्तर प्रदेश में जब इससे पहले तो समाजवादी पार्टी सबको साथ में लेके चल रहे नहीं तो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। आज इतने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश में बदले गए हैं, इतने डीजीपी बदले गए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम बदले गए हैं, कितने जिलों में कप्तान इन्होंने शेड्यूल कास्ट के बनाए, कितने जिलों में इन्होंने डीएम बनाए शेड्यूल कास्ट, कमिश्नर कितने बनाए, एक शेड्यूल कास्ट का कैबिनेट मिनिस्टर है जिसकी आबादी 30% है उत्तर प्रदेश में। ये जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जिस बैकवर्ड क्लास की आबादी 50 से ऊपर है उसको स्टूल चीफ मिनिस्टर बना देने का काम किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देने का काम किया। आप राजनीतिक बातें कर नहीं, बिल्कुल राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि जाति की राजनीति एकदम खुल करके होने चाहिए तभी इन वर्गों को न्याय मिल पाएगा। जब तक जाति के मुद्दे पर राजनीतिक दल मुखर नहीं होंगे, खुल्लम खुल्ला चर्चा नहीं करना शुरू करेंगे तब तक जात खत्म नहीं, जात खत्म होने वाली चीज ही नहीं। ये हमारी जब संवैधानिक व्यवस्था में है, भारत के रग रग में है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हाथरस कांड हुआ, उसके बाद फिर अभी आजमगढ़ में एक कांड हुआ, फिर इलाहाबाद में उन वर्गों के प्रति जो आरोपी थे उनके प्रति सरकार ने क्या कार्रवाई की। तो जात देखकर ही हर चीज सरकार तय करती है, ये बेमानी बात है कि कोई जात की बात नहीं करता है। और इन्होंने किसने जात के सम्मेलन शुरू करवाए, प्रधानमंत्री, अभी हमारे पिछले प्रवक्ता बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ओबीसी अपने आप को बताया, रैलियों में बताया। जब भाजपा कोई लिस्ट जारी करती है तो उसके साथ जाति का जिक्र जरूर करती है। जब स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके, जब इन्होंने प्रेस नोट जारी किया भाजपा ने इनको अपॉइंट करने का, तो साथ में पटेल भी लगा देने का काम किया। क्यों किया, जाति की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करती है भाजपा। आप घुमा फिरा के बीजेपी पे ही सब कुछ क्यों रखा? नहीं नहीं, भाजपा अभी भाजपा जो आइडेंटिफाई सबसे बड़ी बात करती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे मुकरे ना, जात की राजनीति करना पड़ेगा, इसको स्वीकार करें। शबनम जी कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात पर। जी शबनम जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर आप राजनीतिक दल में नहीं है तो आपको निष्पक्षता के साथ देश हित में प्रदेश हित में अपने बयान देने चाहिए, ना कि भाजपा की कमियां ढूंढाने में। भाजपा ने जिस तरीके से सभी जाति धर्मों के लोगों को सामान्य जो चीजें महिलाओं को जैसे देख लीजिए, अगर हम धर्म की बात करते हैं, जरूर सब कहते हैं कि हम मुसलमानों की खिलाफत करते हैं, पर हम खिलाफत नहीं करते। उन महिलाओं को वो अधिकार दिया है जिसके लिए वो आजादी के बाद से तरस रही थी, और वो हाश पे थी कि शादीशुदा जिंदगी पल पल एकदम घुटक की जिंदगी होती जा रही थी। अगर आप ओबीसी पर का भी देखें तो हमने मेडिकल में 70% नेट में ओबीसी पर को दिया। हम जहां समझते हैं कि हाँ यहाँ पे इस विशेष समुदाय के लिए कुछ प्रवेश होना चाहिए, हमारी सरकार करती है। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कांग्रेस के अपने साथी को कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी अपनी जाति या धर्म बताते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर राहुल जी अपना गोत्र बताते हैं और कुर्ते के ऊपर चने पहन लेते हैं तो आपको आपत्ति नहीं होती, तो कोई सत्ता के साथ अपना धर्म जाति क्यों नहीं बताए? क्योंकि अगर सेक्युलर कंट्री है और लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है तो हर किसी को अपनी धर्म जाति बताने का अधिकार है। पर जनगणना के खिलाफ इसलिए है कि हम किसी को, किसी भी नागरिक को आइडेंटिफाई इस बात से नहीं करें कि वो फलाने धर्म का है, फलानी जाति की है, और हम उनको पूरा अवसर दें। अगर वो वंचित है तो उन्हें वो पूरा अवसर दें बगैर के जाने कि वो किस जाति धर्म के हैं। और हमारे जितने भी राजनीतिक दल के लोगों को दलगत राजनीति से उठकर आज युवाओं की सोच के साथ कदम साथ मिलाना चाहिए, जो आज इंटरनेट मैनेज कर रहे हैं, जो आज इस बात को कहीं भी देखते नहीं है कि हम किस जाति के साथ उठ बैठ रहे हैं और किस जाति के साथ हम परिवार बना रहे हैं। तो ये राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके का जहर घोलने का काम विपक्षी दल ना करें, और प्रदेश प्रदेश का अगर उत्थान करते हैं तो इस बात से सतर्क जो वंचित शोषित है उनके उत्थान का काम करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही है। ठीक है, हम वन बाई वन आ रहे हैं सबके पास। सबसे पहले अमित भाई आपके पास आएंगे, सबसे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, उन्होंने बड़े साफ वही के साथ राहुल गांधी जी का प्रकरण ला दिया,
उन्होंने गोत्र बताई अपनी। भाई मंदिर के पूजा पाठ का एक अपना निर्वहन होता है, वहां पे अगर उन्होंने बताई तो आपको आप उसको जातिगत लेके जा रही हैं। अरे आप कांग्रेस से कुछ सीखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग को अच्छा अब आपसे सीखेंगे, सीखना चाहिए आपसे, हमने कभी बिल्कुल सीखे हैं, बिल्कुल सीखना चाहिए, हमने की राजनीति नहीं की। 77 साल राज करने के बाद भी राजकर्ता नहीं आया, 77 साल होने के बाद सबका विकास जी अमित भाई, बेशक भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से इस मुद्दे पर, जातिवाद के मुद्दे पर, जातिगत राजनीति के मुद्दे पर इनको कांग्रेस से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बंटवारे की राजनीति से देश नहीं चलेगा, सबका अपना पॉलिटिकल स्टैंड होता है, कौन सा बिल्कुल होता है स्टैंड होता है। आप कह रहे सीखना पड़ेगा, लेकिन हम सीखना इसलिए पड़ेगा कि हम जातिगत राजनीति का कभी हमने स्टैंड बनाया ही नहीं। देश में एक तरफ ये कह रहे कि जातिगत रूप से आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए और अपनी ही बात को सपनम जी कंडम कर रही हैं और राहुल जी के ऊपर आक्षेप लगा रही हैं। अरे भाई सीधी सीधी बात है, आप सबके साथ सबके विकास के दायरे में लाकर कितने लोग आपने भला किया, समाजवादी पार्टी के नेता हो, बसपा के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के हो प्रवक्ता, हमको ये बता दें कि इन्होंने जिस दलित की बात हो रही है, जिस पिछड़ों की बात हो रही है, उसको उठाने में इनका क्या योगदान है। रत्ती भर भी इन लोगों ने, आप देखिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही देश में, चलिए अमित भाई से हमारी जो संपर्क है वो टूट गया है शायद, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ अमित भाई क्या कह रहे थे, पूरी पकड़ लीजिए अपनी बात। मैंने अपनी बात यही कही कि कहीं ना कहीं से किसी भी सरकार में, चाहे सपा की हो या बीजेपी की हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की हो, इन्होंने दलितों पिछड़ों को कभी भी उठने दिया नहीं। राजनीति जरूर की, राजनीति करके वोट जरूर हासिल किया, सपा ने भी नहीं उठने दिया क्या, लेकिन उनका कल्याण नहीं, सपा ने भी नहीं उठने दिया। आप जिन जिन दलितों की आज बात हो रही है, जिन पिछड़ों की बात हो रही है, पिछड़े वर्ग में कितने सारे लोग आते हैं आपको तो नितिन भाई पता है, मुझे बता दो की जरूरत नहीं है, किन पिछड़ों का उत्थान हुआ और किन का नहीं हुआ। अगर एक एक वर्ग एक जाति विशेष से ही पिछड़ों को आप जोड़ते हैं तो ना इंसाफी होगी। ठीक है, दर्जनों जातियां हैं पिछड़ों में और आज उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आखिर उस पर जब आप उनको उठा पाएंगे, जब आप जातिगत भावना से ऊपर उठेंगे, जब आप केवल यादव की बात ना करें, जब आप केवल अम्बा की बात ना करें, जब आप केवल दलित की बात ना करें, तब जाके आप सबका कल्याण कर पाएंगे और तब सबका साथ और सबका विकास आप चौड़े मुंह से बोल पाएंगे। ठीक है, शरीफ हाशमी कुछ कहना चाह रहे थे आप बताइए। देखिए अमित जी भी कह रहे थे और शबनम जी कह रही थी, पहली बार उन्होंने तो कुछ नहीं किया भाई ओबीसी। हाँ हमने जो किया, हमने तो पूरी तरह से किया, इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस ने किया गया तो उत्तर प्रदेश इनका सुपड़ा ना साफ हुआ होता, आज तक ये अपना तय नहीं कर पा रहे कि इनके उपाध्यक्ष रहेंगे कि इनके लोग रहेंगे, ये समझ ही नहीं पा रहे, लाते किसी को है, दिखाते किसी को, वोट मांगते राहुल जी के नाम पे है, दिखाते किसी और को उत्तर प्रदेश में। ठीक रही बात इनकी, ये तो दलित ये कहते हैं कि इन्होंने कहा कि जातिगत पे कुछ करना नहीं चाहिए, संवैधानिक अधिकारी है जिसकी ताकत से आज आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए, ये कांग्रेस के दी हुई व्यवस्था के अनुसार ही आप मजबूत हुए और आज आप बात कर रहे हैं। तो ये लोग क्यों कहते हैं 70 साल में डाकू बने थे आप, क्यों भारतीय जनता पार्टी कहती है 70 साल के डाकू हैं आप, क्यों नहीं इनके ऊपर आपने कुछ किया 70 साल में, आपने आरएसएस के ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा, 70 साल में आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ खेल रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको भी समझा और उखाड़ फेंका उत्तर प्रदेश से, वापसी नहीं हो रही आपकी, जिनको आपने पाला था उन्होंने आपको काट लिया। अमित जी कांग्रेस ने ही पाला था, कांग्रेस के पालने से आज आप बाहर हो गए, आपको तो ये लगा कि जिसको गले का हार समझा था वही सांप बन के डस गया। हमने तो उत्तर प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाया, 70 साल में उतना विकास आपने नहीं किया होगा जितना उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया है। क्या दिया था उत्तर प्रदेश को आपने, मैं देश की बात नहीं कहा, उत्तर प्रदेश की बात करिए,
अमित जी आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, इस लायक भी कांग्रेस ने आपको बनाया है। हाँ? आप वहाँ इस लायक बोल रहे हैं कांग्रेस नहीं, हमको तो इस लायक समाजवादी पार्टी ने बनाया है, हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव ने बनाया है कि मेरी आवाज में इतनी तलखी है कि आपको मिर्ची लग रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ समाजवादी पार्टी की देन है, मैं यहाँ बैठा हूँ मेरे महबूब नेता अखिलेश यादव की देन है, उन्होंने मुझे यहाँ बिठाया है। आप कैसे बिठाएंगे? कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या किया? मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने क्या किया? दलितों के साथ कांग्रेस ने क्या किया? जवाब दीजिए। आप भी उसी कैटागिरी से आते हैं जिन पे आप उंगली उठा रहे हैं। अमित जी आप उनसे अलग नहीं है, अमित जी आप उनसे अछूते नहीं है। अगर अछूते ना होते तो प्रदेश और देश से उखाड़ नहीं दिए होते। आज आपको जमीन नहीं मिल रही उत्तर प्रदेश में, आपको ढूंढना पड़ रहा है जमीन पे कहाँ रुकेंगे आप। हमारे पास सुनिए क्या जमीन है, कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से तुलना तो करिए ही मत, आप कहीं है ही नहीं है विपक्ष के रोल में। उत्तर प्रदेश में भी आप कहीं नहीं, आप अरे आप तो दूर आप है, आपकी तो गिनती नहीं है। मैं तो मुख्य विपक्षी हूँ उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस की तो गिनती नहीं है, गिनती नहीं है अमित जी, गिनती नहीं उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है, आपका कोई लीडर नहीं है। आज आपको दिल्ली से लीडर लाना पड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में कोई लीडर नहीं है। प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, आप कह रहे हैं लीडर नहीं है। के डर से घर से बाहर नहीं निकल पाए, सीबीआई और ईडी के डर से घर से बाहर नहीं निकल पाए किसी आंदोलन में, ना तो किसान के साथ तरीके से खड़ा हो पाए, ना तो सीए एनआरसी पे खड़ा। अगर हम खड़े ना होते, अगर उत्तर प्रदेश में जितने प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करते उसका 1% नहीं कर सकते आप दिल्ली में। सबसे ज्यादा आप डरिए, क्योंकि इन्होंने तो आरोप आप पे लगा रखा कि 70 साल का लूट का माल आपके घर में है। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं अमित जी। 70 साल के माल का हिसाब पूछती है भारतीय जनता पार्टी, हमसे नहीं पूछती है, कांग्रेस से पूछती है। ये कहते देश पूछता है कांग्रेस से। अमित जी भारतीय जनता पार्टी का कहना डाकू है आप, 70 साल से देश को लूट लिया आपने। ठीक है, हो गया हो गया। हम तो सड़कों पे थे, अरे आप बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की हिम्मत नहीं आपके अंदर, कहीं अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते आप। हमेशा किसी ना किसी का कंधा ढूंढते हैं आप, हम में कलेजा अकेले चुनाव लड़ते हैं हम, हमेशा किसी ना किसी का कंधा ढूंढ के पड़े हैं आप। आपने अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है अमित जी। कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की कुवत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, सिर्फ हमारे मुखिया अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। ठीक है, आपने प्रदेश की बेटियों की लड़ाई भी नहीं लड़ी। हमने हर एक लड़ाई लड़ी है, ठीक है, नहीं लड़ी। ठीक है, आप तो बीजेपी के साथ ठीक है अमित भाई, में ईडी और सीबीआई से बचाव करते रहे। ठीक है, अरे हम ही लड़ रहे उत्तर प्रदेश तो शबनम जी के पास चलेंगे। प्लीज प्लीज अमित भाई, आसमी जी रास्ते पे रहिए। ठीक है शबनम जी, ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही लड़ने लग गए इस मुद्दे को लेकर के। अब पिछले दिनों इन लोग आपस में चुनाव लड़े थे, पूरी तरीके से इनकी राजनीति जो है वो केवल स्वार्थ सिद्धि पर है। ये सभी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए और अपने घरानों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति करते हैं ये, देश की राजनीति नहीं करते, राष्ट्रवाद की राजनीति नहीं करते, ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं। अगर ये मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं तो किसी मुसलमान को अपने सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना पाते। अगर ये दलित की राजनीति करते हैं तो मायावती जी अपने परिवार के अलावा किसी और दलित का उत्थान नहीं कर पाती है। अगर अखिलेश जी ओबीसी की राजनीति के लिए कहते हैं कि हमने किया तो अपने परिवार के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री नहीं। तो ये एक संक्षिप्त विचारधारा वाली क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस ने भी यही किया कि हमेशा देश में बांटो और राजपटों की राजनीति की है। आज जब हम सबका साथ, तो अमित भाई तो कह रहे हैं कि शरीफ हाशमी अगर यहाँ बैठ के बोल रहे हैं तो कांग्रेस की वजह से बोल रहे हैं। देखिए ये आपस में लड़ रहे हैं और इनके लड़ने से साफ तौर पर पता चल रहा है। वो कहते हैं आपका टुकड़ा साफ हो गया, आपका टुकड़ा साफ हो गया। अगर देश से इन पार्टियों का टुकड़ा साफ हो गया, 70 साल में इन लोगों ने जिस तरीके से देश को बांटा और देश के विकास को हाशिए पे रखा, जनता समझ चुकी है कि चुनाव मेला में ये जाति और धर्म की बात करके
में समरसता और समग्रता रखने के लिए किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहते, हर किसी के अधिकारों को बरकरार रखना चाहते, किसी के अधिकार का हनन नहीं करना चाहते और विकास की धारा में अपने देश को 21वीं सदी के इस नए भारत को हम विश्व गुरु बनने की तरफ ले जा रहे हैं। और जिस देश को विश्व गुरु बनने के रिश्ते ले जाते हैं वहां पर अगर हम जाति देखने लगे तो कहीं ना कहीं हम हाशिए पर रह जाएंगे। अभी फिलहाल जब ओलंपिक का गेम हुआ उसमें देखिए, चाहे रवि दहिया मेडल जीत के आते हैं या तो गीता जीत के आती है या कोई भी, उसका हमने जाति दल ही देखा, हम पूरे भारतवासी एक एक साथ होकर खुशियां हमने मनाया है और हमने देखा कि काबिलियत को किस तरीके से पहचान के लिए। ठीक है मैम, ठीक है। तो आज हमारे देश में इसकी बहुत जरूरत है, ठीक है, कि हम काबिलियत को जाने और जो जो अंडर प्रिविलेज वर्ग है उनको निश्चित तौर पे हम सपा और कांग्रेस ही लड़ने लगी। मैं एक बात आपको बताऊं, हाशमी जी किस विचारधारा से बात कर रहे हैं वो अलग बात है, मैं एक बात बताऊं आपको। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही से चल रही थी, कुशासन से चल रही थी, अन्याय से चल रही थी, आप देखिए सीएनआरसी के मामले को उठा लीजिए, आप कोरोना काल में लाखों मौतों पे आप नजर डाल दीजिए, आप नोटबंदी के उन हालात को देख लीजिए, महिलाओं के उत्पीड़न और पूरे प्रदेश में लगातार सालों हत्याएं होती रही, उस हालात को देख लीजिए, बेटियों पे इनके विधायक और सांसद चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर जैसे लोगों की दरिंदगी आप देख लीजिए, और तो और किसान आंदोलन को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की इस अन्याय के खिलाफ न तो सपा दिखाई दी, न तो बसपा दिखाई दी, न तो अन्य दल दिखाई दिए, और राजनीतिक जातिगत वोट को का समीकरण साधने के लिए हमेशा तैयार है, कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के अन्याय में शामिल रहे। आज देखिए 14 महीने की लड़ाई के बाद आखिर किसानों की जीत हुई और इस सरकार ने अपना फैसला वापस तो लिया, लेकिन 700 किसानों का जान लेने के बाद आप इस अनियंत्रित व्यवस्था और इस जिद्दी रवैये को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, आज 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 हाशमी जी सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस का टुकड़ा कहाँ पे, आप कहाँ थे भाई सड़क पे आते हर मुद्दे पे, मैंने जिन मुद्दों को अमित जी समाजवादी सड़कों पर है पूरे 5 साल, जितने मुकदमे समाजवादियों पे लगे कांग्रेस के उठा लीजिए, उतने मुकदमे उत्तर प्रदेश में नहीं लगे होंगे, ले आइए लिस्ट, मैं दे देता हूँ डेटा कितने समाजवादी जेल में, कितने मुकदमे लगे हैं, बीजेपी के सीबीआई और ईडी से डर के घर बैठे थे। आप डरिए, हमने लूटा नहीं है, हमने लूटा नहीं है, समय कम है, समय कम है, लूट का आरोप आप पे अमित जी हम पे नहीं है, लूट का आरोप आप पे है। ठीक है ठीक है ठीक है, मनोज पासवान गिना दीजिए किस लूट की बात कर रहे हैं, ये कहा ये भाजपा से पूछे जिसको आपने पाला है आप, ये भारतीय जनता पार्टी 70 साल से भारतीय जनता पार्टी कहती है 70 साल में आपने देश को लूटा है, आप कहते हैं हम भाजपा के साथ है, जबकि पूरा देश जानता है भाजपा का कोई विरोधी है तो समाजवादी के लोग हैं, पूरा देश गवाह है, अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई लड़ सकता है तो समाजवादी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में अगर मजबूती से कोई दल खड़ा है तो समाजवादी है। शरीफ भाई, अमित भाई तर्कहीन बातें न करें, अगर लूट का रिकॉर्ड नहीं है तो बेवजह आरोप न लगाएं। ठीक है ठीक है ठीक है, मनोज पासवान आपके आरोप सत्य हैं। ठीक है प्लीज, हो गया प्लीज, मनोज पासवान कुछ कहना चाह रहे थे उसके बाद हम डिबेट को खत्म। मूल प्रश्न पे लौटना चाहिए, जातिगत जनगणना पे डिबेट थी। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर चाहे सभी राजनीतिक दल हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, और भी पूरे देश में जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो इस सच्चाई से ना मुकरें कि वो जाति की राजनीति नहीं करती या धर्म की राजनीति नहीं करती। देखिए इस देश में जाति संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है और जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई बन गई है। जब इस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बनते हैं तभी उनकी पार्टी जिस पार्टी में थे उनकी पार्टी ने पूरे देश में कार्यक्रम इस प्रकार के आयोजित करवाए कि हमने शेड्यूल कास्ट का बनवाया। कांग्रेस ने भी के आर नारायणन को जब बनवाया, जब बाबू जगजीवन राम को बनाया, जब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया, तब भी उसको लगातार करती रही। तो और मैं समझता हूँ कि जात पे खुलकर चर्चा होनी चाहिए, ये झूठी बात है। जब तक हम जात पे चर्चा नहीं करेंगे, आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश में
तमाम ऐसे समुदाय हैं जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनकी गिनती नहीं हो पाई। विमुक्त जातियां हैं जिनकी संख्या 5 करोड़ के करीब है, उनका रहन सहन बहुत अच्छा नहीं है, उनके पास प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, उनके पास अपनी उनकी भाषा नहीं है जो मॉडर्न भाषा है हमारी। जाति एक सच्चाई है, डॉक्टर अम्बेडकर समेत जितने भी भारतीय संविधान में जो संविधान सभा की बहसें हुई उसमें ये निकल करके आया, और उसके बाद इस देश की विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, सेवाओं, सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन देने का काम किया गया कि इन जातियों को मुख्य धारा में लाया जा सके। और जब ये मुख्य धारा में आ जाएंगी तब स्वतः इनके पास अपना कल्चर हो जाएगी, अपनी भाषा हो जाएगी, आर्थिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे, तो देश स्वतः एकजुट हो जाएगा। आज जात के आधार पे उत्पीड़न कहीं आप बताइए, रोज आप हर सप्ताह में आपको दिखाई देगा कि फला दलित है, फला बैकवर्ड क्लास का है, फला वंचित तबके का आदमी बड़ी मूंछ रखने के कारण उसका बहिष्कार हुआ है, घोड़ी पे नहीं चढ़ पा रहा, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी बिहार में, इसी मध्य प्रदेश में, इसी राजस्थान में। और कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे कि जाति की राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही है, जाति की राजनीति कांग्रेस ने भी की, कुछ हित में किए फैसले, कुछ विरोध में किए। बाबू जगजीवन राम जैसा आदमी इनके पास था शेड्यूल कास्ट का, वो सिर्फ इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट का था। आज कांग्रेस समेत ये एकदम झूठ, कांग्रेस अगर जाति की, अगर कांग्रेस और कांग्रेस अगर जाति की, कांग्रेस अगर जाति की राजनीति नहीं कर रही है तो उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनाए गए उसमें कितने ओबीसी बनाए कांग्रेस ने, कितने शेड्यूल कास्ट के बनाए, कितने ओबीसी को बनाया, कितने ओबीसी शेड्यूल कास्ट के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बनाए, उन्नीस सौ नब्बे तक कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में होते रहे हैं, कितने शेड्यूल कास्ट के, कितने बैकवर्ड क्लास के बना दिए आपने चीफ मिनिस्टर ने, कितने बना दिए, कितने राजनीतिक दलों को भागीदार, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आज हमारे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी से शुरुआत होती है, आपको कुछ नहीं पता है? आप पहले जानकारी हासिल करिए। और अभी हमारे पंजाब के अंदर दलित मुख्यमंत्री अभी तुरंत दिया है, और आ गए आप उसी बात पर आ गए ना, अभी आप कह रहे थे कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, नहीं अभी उसी बात पर आ गए ना, नहीं आप उसी, आप ही मुकर कांग्रेस फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, नहीं कांग्रेस फिर ये क्यों कह रही है, ये बेबुनियाद बात कह रही है। और निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय हुआ, निश्चित रूप से उनके साथ जाति की बात की और जगजीवन राम को जाति के नाम पे बीच में लेके आए। हाँ सिर्फ वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ भी बोल के निकल जाइएगा, हम आपको नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में जात को लेकर के लगातार जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ऐसे सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सत्ता दल ये जनगणना करवाना नहीं चाहती है। लेकिन एक उदाहरण है कि शीशे पे अगर पारा लगा दो तो वो आईना बन जाता है, और जब वही आईना किसी को दिखा दो तो उसका पारा चढ़ जाता है, और ये यहाँ पर लागू भी हो रहा है क्योंकि जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है, ऐसा कि साफ तौर पर जो विश्लेषक है या विश्लेषण है वो कहते नजर आए हैं, क्योंकि जब तक ये जातिगत जनगणनाएं नहीं होंगी तब तक इस समाज के लोग के, इस वर्ग के लोग की समस्याओं को नहीं जाना जा सकता है, इनको समाज में क्या देना है, इनका जीवन स्तर क्या है, ये सब नहीं जाना जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को एक बार फिर से विचार विमर्श करके जातिगत जनगणना करानी जरूरी है, लेकिन राजनीतिक दलों को भी ये बात अपने दिमाग में रख लेना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव दिमाग से नहीं दिल से होता है, यहां पर जो लोग हैं वो दिल से वोट करते हैं और जो जिधर वोट करते हैं सरकार उसी की बनती है। तो चुनाव अगर आ गया है तो यहां पर अगर आप जात का मुद्दा उठा करके जात का वोट लेने की कोशिश करेंगे तो यह आपके लिए कहीं ना काफी होगा। ऐसे में इन जैसे इन प्रमुख मुद्दों को, जात के मुद्दों को, जात के आधार पर बढ़ते अपराध के मुद्दों को आपको हमेशा उत्तर प्रदेश में लेकर के आना पड़ेगा और इनके उद्धार की बात करनी पड़ेगी। आज के डिबेट में इतना ही, मैं दिजनमति, नमस्कार।